नमस्कार, मैं आरती शर्मा और मैं चांदनी परिहार जन समय के विशेष बुलेटिन जवाई आई आफत लाई में आपका स्वागत करते हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने कहर का रूप ले लिया, जिससे पूरा जिला जलमग्न हो चुका है। नदी, नाले, तालाब एवं बांध अपनी सीमाएं लांघ चुके हैं। बढ़ते जल सैलाब ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। संभाग का सबसे बड़ा जलाशय जवाई बांध भी अपनी क्षमता को पार कर चुका है। हालात का जायजा लेने के बाद जवाई बांध अधिकारियों द्वारा शुक्रवार की दोपहर बांध का एक गेट 3 इंच खोला गया, किंतु जवाई संग्रहण क्षेत्र में हुई भारी बारिश की वजह से बांध में तेज पानी की आवक देखते हुए शाम को एक गेट और खोला गया, परंतु पानी की आवक को देखते हुए धीरे धीरे एक एक करते हुए रात तक बांध के 12 गेटों को 10-10 फीट तक खोल दिए गए। जिला कलेक्टर LN सोनी ने भी निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का कहा एवं जिले भर को हाई अलर्ट किया गया। आज शाम को जवाई बांध के अंदर अचानक पानी की आवक बहुत ज्यादा बढ़ जाने से 9 गेट जवाई बांध के खोले गए हैं, जिसके कारण पूरे जिले में आहोर, जालोर, सायला, बागोड़ा एवं चितलवाना क्षेत्र के सारे क्षेत्रों में पानी की आवक बहुत तेज बढ़ेगी। ये पानी रात को 11 बजे बाद आहोर में और रात को 1 बजे बाद जालोर में पहुंच जाएगा। इन दोनों कस्बों के नागरिकों से निवेदन है कि वो तुरंत जो लो लाइंग में एरिया में रह रहे हैं वो तुरंत ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, और ऊंचे के स्थानों में या मध्यम स्थानों पर जो रह रहे हैं उसमें भी परिवार का एक व्यक्ति सजग रहे ताकि पानी बढ़े तो तुरंत वो शिफ्ट कर सकें। जिन एरियाज में पिछले 24 तारीख को पानी आया था वो तुरंत अपने एरियाज को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट हो जाए अन्य गांवों में, और जिन एरियाज में 24 तारीख को पानी नहीं आया था वो भी लोग थोड़ा सजग रहे। जिले का यह सौभाग्य रहा कि जवाई कैचमेंट में देर रात को आवक कम हो जाने की वजह से जिले वासियों को थोड़ी राहत मिली। रात करीब 2:45 बजे बांध में आवक की कमी को देखते हुए 9 गेटों को बंद कर दिया गया, वहीं 3 गेटों को खुला रख 2-2 फीट के करीब पानी छोड़ा जाता रहा। वहीं स्थितियों को देखते हुए भैंसवाड़ा का आवासीय विद्यालय खाली करवा कर छात्राओं को आहोर में भेजा गया। बांध द्वारा छोड़े गए पानी की वजह से जवाई नदी में पानी का प्रवाह बढ़ जाने से जालोर शहर का रेलवे स्टेशन, सर्किट हाउस व उसके आसपास की कॉलोनियों तक नदी का पानी फैल गया है। वहीं प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार जालोर सहित जवाई बांध क्षेत्र के आसपास तेज बारिश का क्रम फिर से जारी हो चुका है। स्थितियों की समीक्षा करते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आज 3 में 6 गेट को पुनः खोल दिए गए, जिससे इन गेटों में पानी की निकासी की जा रही है, जिससे हजारों क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में बारिश की स्थितियों को देखते हुए संपूर्ण जालोर की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बारिश व जवाई नदी के पानी के रुद्ध रूप की चपेट में आए कुछ स्थानों की तस्वीरें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है जालोर के सर्किट हाउस की। अब आप देख रहे हैं जालोर के रेलवे स्टेशन के कुछ दृश्य। अभी जो दृश्य आपके सामने आ रहा है ये है FCI जालोर का। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है ITI रोड की। अब आप देख रहे हैं साकरना टोल नाका के ये दृश्य। ये दृश्य है सायला क्षेत्र के जवाई नदी के।
यह बैरेट गांव के तालाब का दृश्य। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है धुमबड़िया गांव के लोगों के पलायन की। ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है वो है सांचोर की, जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा राहत कार्य किया जा रहा है। ये है जवाई नदी आहोर के दृश्य। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बागरा की है, इसमें तालाब का पानी ओवरफ्लो होके बागरा में आ रहा है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो है दी गांव के हालात की। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है जवाई बांध के सबसे नजदीकी सुमेरपुर शिवगंज में उफान मारती नदी की। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इसमें प्रशासन द्वारा चाक चौबन व्यवस्था की जा चुकी थी, उसके बावजूद नदी के उफान को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता कम नहीं हुई। जालौर की स्थितियों का जायजा लेने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज जिले में दौरा था, किंतु बिगड़े हुए मौसम की वजह से पहुंच नहीं पाई। वर्तमान में हो रही बारिश की वजह से संपूर्ण जालौर जिले की स्थिति विकट बनी हुई है। नदी नाले तालाब बांध रौद्र रूप ले रहे हैं, हर व्यक्ति के मन में अनहोनी का भय बना हुआ है। प्रशासन हर संभव राहत कार्यों में लगा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवी संस्थाएं तन मन और धन से राहत कार्य में लगी हुई हैं। बेशुमार बारिश ने जहां कई लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं तो कहीं लोग उफान मारी नदियों का लुफ्त लेने पहुंच रहे हैं। लुफ्त लेने वाले लोगों को बमुश्किल पुलिस प्रशासन काबू में कर व्यवस्था सुधारने में लगी है। जन समय की विशेष बुलेटिन में अभी इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।